पीडी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। दोस्तों यहाँ पर तो हम बहुत आसानी से इसको अपलोड कर देते थे, लेकिन जब से भारत पशुधन ऐप आई है तब से हमें इसमें ये अपलोड करना पड़ रहा है। और बहुत मेरे मित्र हैं जो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो रही है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन आते हैं जो उन्होंने पहले ऑप्शन देखे नहीं है। दोस्तों अगर आप पीडी अपलोड करना जानते हैं फिर भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप गलत तरीके से भी करते हैं तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा सही तरीका हमारा क्या है अपलोड करने का। दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो में। दोस्तों साइड स्क्रीन पे देखते रहिए और अपना अकाउंट लॉगिन कर दीजिए। सबसे पहले देखिए, जैसे कि आपके सामने हमने अपना अकाउंट लॉगिन ऑलरेडी कर लिया है और एनिमल ब्रीडिंग में हमें जाना है। और उसके बाद जो पहला ऑप्शन आता है एआई, उसके बाद प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जो आ रहा है सेकंड पे, सेकंड को ओके करना है हमने। जैसे उसको दोस्तों ओके करेंगे, दोस्तों इम्पोर्टेंट बहुत वीडियो होने वाली, दिमाग से देखिए वीडियो और अच्छे तरीके से इसको देखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, टैग नंबर इसका फिल कर देना है। तो जैसे ही हमारे एनिमल टैग नंबर है, इनको अगर पीडी चढ़ानी है हमने तो हमें उनका टैग नंबर यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कर देंगे उसके बाद इसको सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी जो कि इस ऑनर की डिटेल है। ऑनर की डिटेल पे हम इसको टच करेंगे और इस पे आपने चेक कर लेना उसका मोबाइल नंबर और नाम भी उसका चेक करना है। जैसे हम टच कर लेंगे उसके बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आ रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिए वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसको ओके करके दोस्तों उसके बाद इस तरह का इंटरफेस हमारा पड़ जाता है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ही काम है हमारा, यहाँ जो काम है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा पीडी डेट, पीडी जो डेट है, पीडी डेट हमें क्या करना है, यहाँ पर एडिट करके पीडी डेट एडिट करके यहाँ पर हमें लिख देना है जो इसकी 3 महीने, 2.5 महीने, मंथ, 60 डेज के बाद की आप इसमें डेट डाल सकते हैं पीडी के एआई के बाद। तो जैसे हमने डाल चुके हैं उसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन हमारा पीडी रिजल्ट। पीडी रिजल्ट हमारा कंफर्म है। और दोस्तों यहाँ पर मेरे दोस्त बहुत सारे प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि हम इसमें से क्या करना। दोस्तों ये जो ऑप्शन आपको, ये आपको जो पहला वाला है दोस्तों उसी को टच करना, आपको छेड़ना नहीं है इसके साथ। तो इस तरह करने के बाद उसको ओके करें तो ये डिटेल आपकी आ जाएगी। जैसे ये डिटेल आपकी आ जाएगी तो उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपकी सारी डिटेल है, आपने पीडी कब की है। उसके बाद जैसे आप करोगे तो उसके थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पर डिटेल सबमिट हो सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आई होगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने के लिए मिलेगा तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।